तो दोस्तों ये तो आपको पता हो कि Redmi का Redmi 9 Power इंडिया में लॉन्च हो चुका है और कल से वो ऑनलाइन में दिखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन सेल में आपको Flipkart के ऊपर और Mi.com पर देखने को मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगा बाय करने के लिए, और अगर बाय करूंगा, अगर हो पाया, क्योंकि फ्लैश सेल में बहुत दिक्कत हो जाता है, अगर हो पाएगा तो आपको बहुत जल्द इसका अनबॉक्सिंग और बहुत सारे जैसे हमारे चैनल के ऊपर रिव्यू देखने को मिल जाते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे फ़ोन इस प्राइस रेंज में देखने को मिल जाते हैं, तो हम फोन का कंपेरिजन आज नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोसेसर के बारे में कि कौन सा प्रोसेसर किस जगह में अच्छा है, किस प्रोसेसर से। इस वीडियो में बात करेंगे क्वालकॉम का 662 वर्सेस G80 मीडियाटेक का G80 प्रोसेसर के बारे में, यानी कि पोको M2 में जो देखने को मिलता है वो है G80, और रिसेंट जो लॉन्च हुआ है Redmi 9 Power उसमें आपको 62 देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों प्रोसेसर के बारे में हम बात करेंगे, कौन सा किस में अच्छा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले तो बात करते हैं यहाँ पे दोनों का बेंचमार्क, यानी कि क्वालकॉम का 662 एंड मीडियाटेक का G80 जो है उनका बेंचमार्क कुछ देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो कि जो Geekbench 5 है सिंगल कोर, वहाँ पे 662 को 314 मिलते हैं, जबकि G80 जो है 349 पॉइंट देखने को मिल जाता है। उसी तरह मल्टीकोर की बात करते हैं, इसमें 662 आगे देखने को मिल जाता है और थोड़ा कम G80 में देखने को मिल जाता है। आप N2 की बात करते हैं तो जो स्नैपड्रैगन 662 है वहाँ पे 175,000 यानी कि 175,000 आपको देखने को मिल जाता है, जबकि बात करते हैं G80 तो ये यहाँ पे भी आगे देखने को मिल जाता है, यानी कि 197,000 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लगभग 200,000 के आसपास इसका N2 स्कोर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मीडियाटेक आपको आगे देखने को मिल जाता है, क्योंकि बैटरी के केस में जो क्वालकॉम है वो आगे निकल जाता है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन क्वालकॉम में थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ग्राफिक्स आ जाता है उसमें जब से ये जी सीरीज आए थोड़ा बेटर करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं GPU फ्रिक्वेंसी जो है मीडियाटेक का 950 मेगाहर्ट्ज़ है, लगभग 1000 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास, लेकिन वही पे बात करें क्वालकॉम 662 की तो वहाँ पे आपको 600 मेगाहर्ट्ज़ का देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ खास रहता है मीडियाटेक में, जबकि वो थोड़ा कम रहता है 662 में, लेकिन बैटरी की बात करते हैं तो वो आगे निकल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी के बारे में, तो दोनों में आपको LPDDR4X वाला रैम देखने को मिल जाता है और दोनों में सपोर्टेड है मैक्स टू मैक्स 8GB तक। तो अगर कंपनी ये प्रोसेसर के साथ आते हैं तो मैक्स टू मैक्स वो 8GB रैम सपोर्टेड दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करेगा तो बाकी सब वो क्या करेंगे। आप बात करते हैं मल्टीमीडिया यानी कि कैमरा के बारे में और डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो जो मैक्स डिस्प्ले सपोर्टेड है दोनों में 1080p क्या है 1080 से ऊपर दे नहीं सकते। स्टोरेज वेरिएंट की बात करते हैं दोनों में EMC 5.1 एंड अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 दोनों में सपोर्टेड है, यानी कि कंपनी चाहे तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दे सकता है, यानी कि EMC 5.1, और कंपनी चाहे तो जैसे कि लैपटॉप में SSD मिलता है उसी तरह यहाँ पे आपको अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे वीडियो कैप्चर की बात करते हैं तो 6K 30fps सपोर्ट करता है, और यहाँ पे बात करते हैं G80 की तो ये 2K सपोर्ट करता है 30fps पे, और बाकी फॉर्मेट वगैरह आप देख सकते हैं। कनेक्टिविटी बात करते हैं तो दोनों में आपको 4G देखने को मिल जाते हैं, बाकी चीज़ें भी दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है। वाईफाई यहाँ पे 6 देखने को मिलता है 662 में, और बात करें G80 की तो वहाँ पे आपको 5 देखने को मिलता है। वैसे ब्लूटूथ भी बात करें तो 662 में 5.1 और वहाँ पे 5 देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब जो मेन बात है यहाँ पे नेविगेशन की बात करते हैं तो एक खास चीज़ जो मिलता है 662 में जो कि मीडियाटेक में आपको नहीं मिलता है वो क्या है, तो यहाँ पे नेविगेशन का सपोर्ट जो है वो नाविक भी सपोर्ट करता है, यानी कि हमारे खुद का इंडिया का नाविक वो भी आपको देखने को मिलता है, साथ साथ GPS गोलेंस बायदू और गैलियो वगैरह देखने को मिलता है। और इनमें से अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ GPS US का है, जो ग्लोनेस है वो रसिया का है, और बायदू ऑब्वियसली चाइना का है, और गैलीलियो जो है वो यूरोप का है। तो ये था कुछ चीज़ें बता दिया, और आखिर में बात करते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस है और कौन सा आपको लेना चाहिए। इससे थोड़ा आपको पता चल गया होगा तभी भी आखिर में बता दूँ, अगर आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो 662 बेस वाला फ़ोन आप ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा गेमिंग प्रोसेसर चाहिए थोड़ा फास्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं G80 वाला। तो बाकी तो स्पेसिफिक आप देख के फ़ोन भी ले सकते हैं कौन सा कैमरा अच्छा है क्या कुछ है, लेकिन अगर प्रोसेसर के बारे में जानना है तो ऐसा बता दिया कि क्वालकॉम का 662 थोड़ा लॉन्ग लाइफ बैटरी आपको चाहिए, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा अच्छा होता है 662 में, और अगर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आप प्रीफर कर सकते हैं मीडियाटेक का Helio G80 को। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा एक वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर देना, और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं डिपेंड यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।